हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। सो आज की वीडियो में गाइस, मैं आप लोगों के साथ में रिव्यू शेयर करने वाली हूँ कलर्स क्वीन का एंटी डस्ट फेशियल का। मैंने सुना है कि एक स्पेशल ना फेशियल क्लेंजर है जिसको यूज़ करने के बाद एक तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना, वो सलोन लाइक रिजल्ट मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे अभी अभी आप सलोन से आए हो फेशियल करवा करके। तो इसके रिजल्ट मैंने कुछ इस टाइप के सुने हैं। एंड साथ ही साथ में गाइस, प्री ब्राइडल के लिए ये फेशियल क्लेंजर बहुत ज़्यादा अच्छा बताते हैं। तो मैं भी इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी एंड इसके बारे में आपको सब कुछ बताऊँगी, लाइक इसको कैसे यूज़ करना है एंड मेरे को कैसे इसके रिजल्ट मिले, मतलब इसके बारे में सब कुछ होने वाला है। इसका फुल डिटेल मैं आप लोगों के साथ में रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। तो चलिए अभी ज़्यादा बात नहीं करते हैं, जल्दी से रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो ये है कलर्स क्वीन का एंटी डस्ट फेशियल क्लेंजर। आप देख सकते हो इसकी पैकेजिंग आपको कुछ इस टाइप की बाहर से ना कार्ड बॉक्स में से होगी, जो कि आप देख सकते हो गोल्डन एंड ब्लैक कलर का कार्ड बॉक्स है। काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है एंड फ्रंट पे ही इसका नाम लिखा हुआ है कलर्स क्वीन फेयर स्किन एंटी डस्ट फेशियल क्लिंजिंग आइस क्रिस्टल लिखा हुआ है। इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है वो भी इसमें दिए हुए हैं, साथ ही साथ में इसको कब तक यूज़ कर सकते हैं, इसकी एक्सपायरी डेट लिखी हुई है यहाँ पे। जो इसकी है एक्सपायरी डेट वो है 06/2028 एंड इसकी MRP है 299 रुपीज़ एंड ये आपको डिस्काउंट में और भी सस्ता पड़ जाता है। सो ये कुछ थी इसकी बाहर की पैकेजिंग जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। तो अंदर से गाइस ये आपको बहुत ही प्यारी क्यूब पैकेजिंग में रिसीव होगी, आप देख सकते हो। इसमें जो आपको प्रोडक्ट मिल जाता है ना, वो मैंने आपको बताया नहीं। हाँ, इसमें जो प्रोडक्ट मिल जाता है वो आपको मिल जाता है 50 ग्राम। सच बताऊँ तो वही लगता है कि आपको अपने फेस को अच्छे से पानी से धो लेना है, लेकिन जब आप ट्रेवल कर रहे हो और साथ में अगर आपको पानी नहीं मिल पा रहा है कहीं भी, तो सबसे अच्छा तरीका है जेंटली अपने फेस पे मसाज करो, देन वेट वाइप से अच्छे से क्लीन कर लो। तो दोनों टाइम पे आपको ना सेम ही रिजल्ट मिलेंगे, चाहे आप रिंस कर लो चाहे आप वाइप से पोंछ लो। तो जब भी आप इसे यूज करो गाइस, अपनी आईज से थोड़ा सा दूरी रखना, आपकी आईज पे ईचिंग हो सकती है। और जब भी आपकी आईज पे ईचिंग हो ना, थोड़ा सा भी चला जाए, तो आपको एकदम से अपने आईज को रिंस कर लेना है। और जब भी यूज करो पैच टेस्ट जरूर कर लेना। एंड साथ ही साथ में अगर आप इसको अपने फेस पे लगा रहे हो ना, आपको किसी भी तरीके का अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे ईचिंग हो रही है, तो आपको एकदम से अपने फेस को रिंस कर लेना है, धो लेना है पानी से, ठीक है। तो ये थे गाइस कुछ इसके जो जरूरी है इंपॉर्टेंट चीजें कि आपको ये चीजें करनी है। सनलाइट के डायरेक्शन में नहीं रखना है आपको इसको, किसी भी डार्क प्लेस में रखना है। क्लिंजर है ना गाइस, ऑल स्किन टाइप को सूटेबल है। सो इसमें ना गाइस ऑरेंज पाउडर भी है जो कि विटामिन सी का वर्क करता है। एंड आपको पता ही होगा कि विटामिन सी कितना ज़्यादा अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, जो कि हमारी स्किन में ग्लो लेकर के आता है, हमारी स्किन को ब्राइट करने में मदद करता है। तो इसमें गाइस विटामिन सी है एंड इसके फ्रेगनेंस, ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेगनेंस है। जब आप इसकी मतलब इतनी ज़्यादा रिफ्रेशिंग है ना, जब मैं इसको यूज़ कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे खुशबू से ना आपको प्यार सा हो जाएगा इसकी खुशबू से, ऐसी कुछ इसकी खुशबू है। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, इसने मेरी स्किन में से बहुत ही अच्छे तरीके से जितना भी डर्ट था ना मेरी स्किन में जमा हुआ, मुझे नहीं पता कि इतना डर्ट था मेरी स्किन में। आप लोगों ने देखा ही होगा कि कितना ज़्यादा डर्ट निकला। मेन चीज़ जो है गाइस, इसको यूज़ करने के बाद ना आपको ऐसा लगेगा जैसे अभी अभी आप सलोन से आए हो फेशियल करवा के, क्योंकि जितना भी जब हम फेशियल करते हैं ना, तो क्या होता है कि जितना भी डर्ट होता है हमारी स्किन में वो इजिली रिमूव हो जाता है, साथ साथ में हमारी स्किन को रिलैक्स फील होता है। तो इसको यूज़ करने के बाद भी कुछ उसी टाइप की फीलिंग आती है, साथ ही साथ में जो रिजल्ट मिलता है वो भी एकदम सलोन लाइक रिजल्ट मिलता है। ऐसा लगता है कि अभी आप फेशियल करवा के घर पर आए हो, इसलिए ये प्री ब्राइडल के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप सलोन नहीं जा रहे हो तो आप घर पर ही, तो और आपको ना आपकी वेडिंग के दिन बहुत ही प्यारा ग्लो मिलने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैं तो इसको ज़रूर ट्राई करूँगी, क्योंकि इसने ना मेरे फेस पे से आज बहुत ज़्यादा डर्ट, जितना भी पता नहीं कब से डर्ट होगा वो मेरे फेस पे से ईजिली निकाल दिया है। और मेरे को ना अपना फेस बहुत सही में ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्राइट हो गया है। तो ये फेस को ब्राइट करने में मदद करता है, आपकी स्किन में जितने भी डार्क स्पॉट्स वगैरह होते हैं उन सबको भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्लिंजर है, आप इसको ट्राई एक बार ज़रूर करना। सो अब मैं ना आपको इसका फॉर्मूला भी दिखा देती हूँ, अभी तो मैंने यूज़ किया आपको फॉर्मूला नहीं बताया मैंने इसका, तो मैं यहाँ पर हाथ पर निकाल लेती हूँ। तो इसका जो फॉर्मूला है गाइस, वो है आइस क्रिस्टल जैसा फॉर्मूला है इसका, ये कुछ इस टाइप का मिलेगा। और ये ना आप देख सकते हो ऑरेंज कलर का है, जिसमें ना ऑरेंज पाउडर है। एंड अब मैं इससे अपने स्किन में अच्छे से मसाज करूँगी, आप देख सकते हो ऐसा लग रहा है जितना भी डर्ट है वो सब कुछ क्लीन हो रहा है मेरे हाथ से। ओह गॉड, ऐसा नहीं है यार, हाथ तो मैंने धोए थे।
एंड इसके रिजल्ट सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आपको इंस्टेंटली रिजल्ट मिलेगा। देखो फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है मेरा ये वाला हाथ एकदम क्लीन हो गया है, बहुत डर्ट निकला इस हाथ में से। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हैं गाइस। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो इसने फेस को काफ़ी अच्छे से क्लीन कर लिया है। सो अभी मैंने वाइप का यूज़ इसलिए किया क्योंकि आपको दिखाना था मुझे, वैसे मैं रिंस कर लूँगी अभी अपने स्किन को, आप ना डायरेक्ट रिंस कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये, और आप भी इसे ट्राई ज़रूर करना। सो यही था गाइस आज का वीडियो, आज का रिव्यू। आई होप आपके हेल्पफुल रही हो ये वीडियो, अगर हेल्पफुल रही होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना, साथ ही अपने बेल आइकन होता है उसको प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरी ऐसी वीडियो आप लोगों को मिलती जाए। अब मिलती हूँ गाइस मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू सो मच गाइस, बाय।